आज मैं ब्रेड से चार ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो स्वाद में एक से बढ़कर एक है। आप इसे कभी भी किसी भी वक्त बनाकर तैयार कर सकते हो। ब्रेकफास्ट हो या शाम का नाश्ता हो, किसी भी वक्त आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार मीडियम साइज का बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है। आलू को छील के अच्छी तरह से मैश करके लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हो। दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच घिसा हुआ अदरक डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन आधी छोटी चम्मच के लगभग, और टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने इसे बनाकर तैयार किया है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आलू का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो चलिए घोल बनाते हैं। तो घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप बेसन ले लिया है। टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, तो मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बैटर घोल तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालें, नहीं तो बैटर पतला हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेना है। तो घोल हमें बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। देखिए यहाँ पे घोल रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा गाढ़ा घोल रखा है और ना ज़्यादा पतला, तो इसी तरह का घोल रेडी कर लेना है। यहाँ मैंने चार ब्रेड ले लिया है, चारों ब्रेड को हम फैला लेंगे, इस तरह से फैला के रख ले। दो ब्रेड पे हम सेजवाइन चटनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे सेजवाइन चटनी लिया है, आप चाहे तो सेजवाइन चटनी के जगह पे टमेटो केचप भी ले सकते हैं। दोनों से एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। दूसरे ब्रेड पे आलू का मसाला रखेंगे, और आलू को मसाले को भी अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ दोनों ब्रेड पे मैंने सेजवान चटनी और दोनों ब्रेड पे आलू का मसाला अच्छी तरह से फैला लिया है, और चटनी लगा हुआ ब्रेड को हम आलू के ऊपर इस तरह से रख के हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब ब्रेड को हमें बीच से कट कर लेना है, ताकि फ्राई करने में आसानी हो और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से ब्रेड को बीच से कट कर लेंगे, दूसरे ब्रेड को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ दूसरे ब्रेड को भी मैंने कट कर लिया है। घोल को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, तो एक बार मिक्स कर ले। अब ब्रेड को हम इस तरह से घोल में अच्छी तरह से डीप करेंगे, और इस तरह से निकालते हुए हम इसे डायरेक्ट तेल में डालेंगे। तो जब ब्रेड को तेल में डालें, उस समय तेल अच्छा गर्म रहना चाहिए। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, और ना बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, ताकि ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो दोनों तरफ से देखिए ब्रेड में अच्छा सा कलर आ चुका है। तो ब्रेड पकौड़ा यहाँ बनकर रेडी है। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे निकाल लें, इसी तरह बाकी के ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। और टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। तो मैंने इसे इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे टमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं आलू मसाला सैंडविच। तो आलू मसाला सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पैन को गर्म होने के लिए रखा है। इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच राई के दाने, आधी छोटी चम्मच जीरा, और एक से दो बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। जैसे ये चटक जाए, इसमें एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए, आधी छोटी चम्मच लहसुन और आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर दरदरा किया हुआ डाला है, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर अदरक लहसुन को पकाने के बाद इसमें हम तीन उबले हुए मैश किया हुआ आलू डालेंगे। हल्का सा इसे मिक्स पहले कर लेंगे, इसके बाद इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक तिहाई छोटी चम्मच के लगभग, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। मिक्स करते हुए एक से दो मिनट पका लेंगे।
एक से दो मिनट पकाने के बाद इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो नमक हिसाब से डालें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, तो उसी हिसाब से आप इसमें नमक डालें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है। तो आलू का मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने चार ब्रेड ले लिया है, ब्रेड को फैला के रखेंगे। दो ब्रेड पे हरी चटनी डालेंगे, ग्रीन वाली चटनी, और चटनी को भी ब्रेड पे फैला लेंगे। तो जितना चटनी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इस पर चटनी फैलाएं। अगर ज़्यादा चटनी पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चटनी लगाएं, अगर कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम लगाएं। चटनी लगे हुए ब्रेड पे हम आलू का मसाला डालेंगे, दोनों ब्रेड पे डाल के, और मसालों को भी अच्छी तरह से ब्रेड पे हम फैला लेंगे। तो चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला ले। दूसरे वाले ब्रेड पे हम टमेटो केचप डालेंगे, टमेटो केचप को भी ब्रेड के चारों तरफ फैला लेते हुए लगा लेंगे। टमेटो केचप लगा हुआ ब्रेड को हम आलू के मसाले वाले ब्रेड के ऊपर रखेंगे, हल्का सा इसे दबा देंगे। तो ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। तो गैस पे मैंने यहाँ पे तवा को गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही तवा गर्म हो जाए तो इसके ऊपर बटर डालेंगे। फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे, लो टू मीडियम रखेंगे। आप इसे घी में भी ब्रेड को सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। बटर से सैंडविच थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। किनारों से भी मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। तो देखिए दोनों तरफ से ये अच्छा सा कलर आ चुका है। अब अगर इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा और इसमें कलर आने दें। दूसरे वाले ब्रेड को भी हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे, दोनों तरफ से बटर या घी लगाते हुए। दोनों सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। तो टेस्टी टेस्टी आलू मसाला सैंडविच बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम बनाते हैं ग्रिल सैंडविच। ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार ब्रेड ले लिया है। इसे भी हम ब्रेड को अच्छी तरह से इस तरह से फैला लेंगे। दो ब्रेड पे हरी चटनी डालेंगे, ग्रीन वाली चटनी। चटनी को ब्रेड के चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे। और बाकी के दो ब्रेड पर हम बटर डालेंगे। तो बटर को आप पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख लें ताकि वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और लगाने में आसानी हो जाए। तो बटर को भी मैंने ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से फैला लिया है। और बटर लगे हुए ब्रेड पे अब हम थोड़ा सा टमेटो सॉस डालेंगे। टमेटो सॉस को भी इस तरह से अच्छी तरह से फैला लें। तो दोनों ब्रेड पे मैंने यहाँ पे टमेटो सॉस और बटर लगा के तैयार कर लिया है। अब हरी चटनी लगा हुआ ब्रेड पे स्लाइस में कटा हुआ आलू डालेंगे। तो ये बॉयल किया हुआ आलू है। बॉयल किया हुआ आलू को स्लाइस में पतला पतला गोल गोल काट लें। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आलू, खीरा, टमाटर और प्याज को गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। तो आलू को ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। इसके ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खीरा डाल दिया है। आप इस ब्रेड को तीन ब्रेड से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे दो ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। इसके ऊपर से टमाटर डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। तो जितना ब्रेड पे आ सके उतना डाल सकते हो, या आप जितना पसंद करते हो खाना उस हिसाब से भी आप डाल सकते हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। दूसरे ब्रेड पर भी हम इसी तरह से फैला लेंगे। सेम प्रोसेस से इस ब्रेड पर भी हम आलू, टमाटर और खीरा, प्याज को रखेंगे। इस तरह से फैलाते हुए रख लें। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो चीज़ आप जितना पसंद करते हो डालना उस हिसाब से आप डालो। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है। तो इस तरह से ग्रेट करके इसके ऊपर डाल देंगे। आप जितना चीज़ इस पर डालोगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो टमेटो सॉस लगा हुआ ब्रेड को इसके ऊपर डालेंगे, हल्का सा इसे प्रेस करके इस तरह से कर लेंगे। अब मैंने यहाँ ले लिया है सैंडविच टोस्ट। इसके ऊपर इसमें हम अच्छी तरह से बटर लगा देंगे, बटर या घी लगा लें ताकि इसमें चिपके नहीं। आप इसे तवा पे भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तवा पे भी बटर, घी दोनों तरफ से लगाते हुए और अच्छी तरह से इसे सेक के तैयार कर सकते हो। मैं टोस्ट में बना रही हूँ। तो इस तरह से इसमें डाल लें और अच्छी तरह से अंदर करते हुए इसे हम बंद कर देंगे। गैस को ऑन कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से पलटते हुए हम इसे अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे, जब तक कि चीज़ अच्छा मेल्ट ना हो जाए और सैंडविच में अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हम इसे
बीच में आप खोल के इस तरह से चेक भी करते रहें। तो देखिए सैंडविच में अच्छा सा कलर आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से सारा सैंडविच आप इसी तरह से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो लीजिए टेस्टी टेस्टी ग्रीक सैंडविच भी बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ से मैं गार्निश कर देती हूँ और इसे टमेटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। टेस्टी टेस्टी ग्रीन सैंडविच भी बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं ब्रेड उपमा, बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है। ब्रेड उपमा बनाने के लिए गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा बटर। बटर को अच्छी तरह से फैला लें, आप बटर के जगह पर घी भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ब्रेड, तो दोनों तरफ से ब्रेड को पलटते हुए हमें अच्छा सा कलर और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक पका लेना है। फ्लेम को मीडियम या लो टू मीडियम रखेंगे, तो दोनों तरफ से पलटते हुए हम ब्रेड को सेक लेंगे। तो ये इस तरह से पलट ले और दोनों तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक ब्रेड को सेक ले। तो ब्रेड में हल्का सा कलर आ चुका है, तो ये हल्का सा क्रिस्पी हो चुका है, तो मैंने ब्रेड को सेक लिया है। तो टोटल यहाँ मैंने 4 ब्रेड सेक लिया है। ब्रेड को छोटे छोटे पीसेज में हम कट कर लेंगे, तो इस तरह से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लें। बाकी के 2 ब्रेड को भी हम इसी तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे ब्रेड को पीसेज में कट कर लिया है। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, जैसे ही तेल गर्म हो जाए 1 छोटा चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच चना दाल, आधी छोटी चम्मच उड़द दाल डालेंगे। हल्का सा इसे हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। 6 से 7 कड़ी पत्ता डाल देंगे, साथ ही में 1 चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे मीडियम साइज का। हल्का सा प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लें, जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इसमें 1/2 इंच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, या आप घिस के भी डाल सकते हो, और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। जैसे ही टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो 1/4 छोटी चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। मिक्स करते हुए कुछ सेकंड के लिए इसे मैंने पका लिया है। जैसे ये हल्का सा पक जाए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा डालेंगे। फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे, 1/2 नींबू का रस डाल देंगे, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो नींबू का रस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसमें अब फ्राई किया हुआ ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को इसमें मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पानी का छींटा, पानी हल्का सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाए गैस को बंद कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे। तो ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ गैस पे मैंने तड़का पैन रखा है, 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे, थोड़ा सा काजू डालेंगे, काजू को हल्का सा लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो काजू को पहले से भी रोस्ट करके रख सकते हैं। ब्रेड उपमा रेडी होने के बाद आप काजू को उसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ मैं काजू को ऊपर से गार्निश कर रही हूँ ताकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसे मैंने 1 प्लेट में निकाल लिया है, ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और टेस्टी टेस्टी ब्रेड उपमा बनकर रेडी है। तो यहाँ मैंने ब्रेड से 4 रेसिपी बनाकर तैयार किया है और चारों 1 से बढ़कर 1 है। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हो या और शाम के टाइम में भी बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।